तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। तो 1 से 2 दिन पहले अभी हमने टाटा मोटर्स का जो वैकेंसी आया था उसमें कैंपस प्लेसमेंट किया जा रहा था, तो उसका डिटेल्स तो हमने बता दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर बहुत से कमेंट्स आए कि टाटा मोटर्स का और भी वैकेंसी बताइए। तो फाइनली ये एक ऐसी वैकेंसी जहाँ पर ऑल इंडिया के लोग, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, इसमें भाग ले सकते हो। और यहाँ पर जो तो अच्छा खासा जो सैलरी का पैकेज है वो आपको, केवल यहाँ पर अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले जो रिक्वायरमेंट थे वो पंत नगर उत्तराखंड के लिए थी, क्योंकि टाटा मोटर्स का पूरे इंडिया के अंदर प्लांट बना हुआ है। और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों, ये सारण गुजरात प्लांट के लिए है। तो इसमें ये थोड़ा ज़्यादा अंतर है कि लोकेशन का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गुजरात है और वह उत्तराखंड है, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। ये आपको एक विशेष फर्क देखने को मिलेगा। बाकी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी रेंज आपको लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बाकी कंपनी टाटा मोटर्स ही रहने वाली है। तो नई भर्ती है, दोनों जो भर्ती है वो नई, उसमें कैंपस किया जा रहा था। इसमें आपको डायरेक्ट जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है और कौन कौन जा सकता है, क्या क्या रहेगा फैसिलिटी, क्या क्या नहीं रहेगा, उसके बारे में अपन चलिए सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑन द जॉब प्रोग्राम एट इंडस्ट्रीज टाटा मोटर्स कनेक्टिंग एस्पायरेंट्स, और आपको राइट टर्म में आ रहा होगा NTTF। तो NTTF यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं और टाटा मोटर्स यहाँ पर ये सब क्या लिखा गया है, तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं समझना है, पर सिंपल सी बात मैं आपको इसको समझा दूँगा। IT फिटर टर्नर और मशीनिस्ट, 3 ट्रेड यहाँ पर रखे गए हैं। और केवल नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट मिशन नीम अंडर AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो ट्रेनिंग फीस, कोई पैसा नहीं, ना तो लेना है ना तो देना है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो कंपनी आपको खुद देगी। स्किल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन क्या क्या मांगा गया वो पहले देखते हैं अपन। देखिए, IT फिटर टर्नर मशीनिस्ट और ग्राइंडर, ये जो क्वालिफिकेशन रखी गई, इसमें ड्यूरेशन आपका 2 साल का रहेगा। आपको कंपनी में 2 साल के लिए रखा जा रहा है स्टार्टिंग में। 18 से 23 एज रखी गई है। इसके बाद बात करता हूँ सर्टिफिकेट, आपको डिप्लोमा इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का कंपनी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवाएगी। या जो सैलरी रहेगा मंथली, आपको फर्स्ट साल में, जैसे आप इस साल जाते हैं 2021 की बात हो रही है यहाँ पर, तो 12,000 रुपये आपको एक साल तक 2022 तक मिल पाएगा। और जैसे 2022 यहाँ पर लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर 12,500 सैलरी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे मैंने अभी बताया कि 2021 चल रहा है, पर अगर मान लीजिए आप 2021 में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है। अब जुलाई के बाद जो महीने बचे हुए हैं वो मान लीजिए आप 2021 चल रहा है और जुलाई चल रहा है, अगर आप बात करो कि जनवरी 2022 में ही आपकी सैलरी 12,500 हो जाएगी, तो आप गलत हो, ठीक है। ये जो सैलरी है ये आपको एक साल जब आपका पूरा होगा, साल चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब आपका साल 365 आपका ये डेट जो हो जाना चाहिए कंपनी में, इतना दिन हो जाएगा तब आपकी सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगी, 500 रुपये बढ़ेगा। अब देखिए अदर बेनिफिट्स और क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए, आपको जो खाना मिलेगा वो कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, टाटा मोटर्स का आपको कपड़े मिल जाएंगे, यूनिफॉर्म और जूता मिल जाएगा, सेफ्टी शूज जिसको बोला जाता है, स्टडी मटेरियल्स आपको, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपका जो, क्योंकि आपको डिप्लोमा का कोर्स करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो भी स्टूडेंट 12th पास से भी रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन अभी तो IT से ही है इसमें, तो जो बहुत से भाई जो गरीब वर्ग से होते हैं उनको जो डिप्लोमा वगैरह नहीं कर पाते, तो उनके लिए ज़्यादा सुविधा बेटर रहती है। उनको हर महीने पेमेंट भी मिलता है, 12,000-13,000 पेमेंट, रहना खाना ये सब सुविधा होते हुए, और जो है तो स्टडी मटेरियल्स, बहुत सारी सुविधा ऐसे मिल जाती है। केवल आपको यहाँ पर देखिए 1 डे थ्योरी क्लास, आपका थ्योरी क्लास और 5 डे केवल काम रहेगा, 1 दिन का आपको छुट्टी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है। प्रोग्राम हाईलाइट्स में यहाँ पर आपको इसको समझ देते हो कि दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज पर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्वेस्टमेंट से नीम के द्वारा रेगुलेशन एट AICTE एंड फुलफिल्स नेसेसरी कंडीशन एज स्पेसिफाइड नीम टू द अनएम्प्लॉयड यूथ। NTTF के बारे में थोड़ा बताया गया कि NTTF इज वन ऑफ द ऑथराइज नीम फैसिलिटेटर्स टू इम्प्लीमेंट इन द कंट्री, यानी जो NTTF है वो, अब देखिए NTTF के बारे में आपको थोड़ा और भी जानकारी दे दूं कि ये जैसे डैमलर की जो वैकेंसी एक बार आई थी अभी 12th पास से, चेन्नई की कंपनी है ये,
जर्मन की ग्रुप कंपनी है, मतलब जर्मनी की ये टेक्नोलॉजी है, जर्मनी की कंपनी, मेन कंपनी जर्मनी के, बाकी इनका जो प्लांट एक लगाया है इंडिया के अंदर तो चेन्नई में लगाया हुआ है और गडम में। तो यहाँ पर भी NTTF से जो रिक्वायरमेंट आई थी लगभग 2 से 3 साल पहले आई थी, तब से रिक्वायरमेंट इसमें नहीं आई है, वो भी 12वीं बेस से थी। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर अगर ज्वाइन करते हो NTTF एक अच्छा खासा, जो ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ है ये, आपको NTTF अगर गूगल में सर्च करते हो तो और भी जानकारी NTTF के बारे में समझ में आ जाएगा, तो NTTF के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि अप्लाई कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अच्छा खासा मौका उनके लिए है जो हमारे ITI से डिप्लोमा करना चाहते हैं दोस्तों। अगर आपके पास डिग्री है डिप्लोमा भी है तो आपको बेनिफिट डबल हो जाएगा, तो आप जुड़ सकते हो टाटा मोटर्स के साथ, अप्रेंटिस भी कर सकते हो, काम भी कर सकते हो और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। बाकी नंबर इतने सारे हैं, काम नंबर हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग का एड्रेस भी दे दिया गया है, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं नेचर, देखिए NTTF का जो फुल फॉर्म है वो भी यहाँ पर बताया गया है, नेचर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड फाउंडेशन। पोस्ट बॉक्स नंबर कर्नाटका का है पूरा, और यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो प्लांट का एड्रेस है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पर कॉल करके जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पर कन्फर्म एक बार कर सकते हो अपने लेवल में, और अप्लाई करने का कोई फीस भी नहीं है, तो आप एक बार जरूर इसको देख लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।